नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये स्टॉक 38.40 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने 4.21% का अपमूव दिया था। मार्केट में इस स्टॉक को हम HCC के नाम से भी जानते हैं। मार्केट कैप है इसकी 6,442 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग है 18.60%। बुक वैल्यू इसकी नेगेटिव है -1। डिविडेंड यील्ड इसकी 0 है, फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखे तो स्टॉक 50 और 200 दोनों DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशो यहाँ पे अभी की रिसेंट मेंशन नहीं है, बट पी रेशो वैसे अगर देखा जाए तो छोटू सी ऊपर है पी से, मीडियम से, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे हल्का सा डाइव डाउन किया है, बट फिर भी ठीक है, 84.47 पे है। एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हुई थी। अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, सबसे पहले तो हमें पिछले 3 दिनों से इसमें काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। एंड हमें 3 व्हाइट सोल्जर्स का यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, जो कि अपने आप में एक बुलिश पैटर्न है। 10th of June के जो हम टारगेट लेके चले थे, 39 और 40 के बीच में स्टॉक ट्रेड करता हुआ हमें दिख सकता है। एंड उसके अचीव करने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें 4% के मूव की ज़रूरत है अभी यहाँ पे। एंड मंडे को उम्मीद ये है कि गैप अप ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से शपथ लेने वाले हैं। एंड आज जो लेंगे, शपथ लेंगे, एंड मुझे लगता है कि ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है, मुझे लगता है कि मार्केट में एक तेजी देखने को मिल सकती है। एक बार चलते हैं इसके BSE पे। BSE पे देखिए, इसका प्राइस बैंड जो है वो 20% का है। एंड न्यूज़ एज सच कोई भी नहीं है, तो इसके प्राइस के अप या डाउन में किसी तरीके की मदद करेगी। तो अभी के लिए हमारे पास टेक्निकल्स हैं एंड न्यूज़ है इलेक्शंस की न्यूज़ तो यहाँ पे अच्छी दिखती हुई नज़र आ रही है। एंड यहाँ पे अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो कल आया था वो फ्राइडे को जो वॉल्यूम आया था वो आया था 35.22 मिलियन का, एंड थर्सडे को आया था 32.54 मिलियन का। तो वॉल्यूम में यहाँ पे बढ़ोतरी देखी गई है। एंड मुझे लगता है कि ये अगर कल भी ऐसा सा वॉल्यूम रहा तो मुझे लगता है स्टॉक हमारे टारगेट को तो अचीव बड़े आराम से कर सकता है। एंड ये जो मैं टारगेट इसलिए यहाँ ही तक लेके चली हूँ 4% के ही, हो सकता है कि इसके ऊपर चला जाए, काफ़ी चांसेस है ऊपर जाने के, बट 4% के इसलिए लेके चली हूँ क्योंकि ये वाली रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रांग है। काफ़ी बार इसको ब्रेक करने की कोशिश की गई है बट ब्रेक हुई नहीं है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आई थी, फिर सपोर्ट बना था, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस आई है, यहाँ पे सपोर्ट भी बना है, यहाँ पे ब्रेक हो नहीं पाया, यहाँ पे अगेन रिजेक्शन मिली, यहाँ पे फिर से हमें रिजेक्शन मिली है, यहाँ अगेन हमें रिजेक्शन मिली है। तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं यही टारगेट लेके चली हूँ। एंड RSI की बात करें तो RSI 54.01 पे है, एंड मोदन मूविंग एवरेज को RSI की लाइन नीचे से कट कर रही है, जो कि एक बुलिश साइन है। एक बार इसके वीकली चार्ट को हम एनालाइज कर लेते हैं। एंड वीकली चार्ट पे देखें तो हमें यहाँ पे स्टॉक कहीं ना कहीं बायर्स के हाथ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी इस वीक में काफ़ी अच्छा आया है, रिवर्सल काफ़ी अच्छा हमें यहाँ से देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है वो बायर्स के हाथ में है। एंड RSI जो है वो है 55.19 पे। RSI काफ़ी अच्छी स्टेज पे है कि अगर यहाँ पे तेजी आती है, जैसे कि बुल रन की संभावना बन रही है, तो अगर वो तेजी आती है तो मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक बड़े आराम से, इसके पास RSI के पास प्लेग्राउंड है यहाँ पे मूव करने के लिए, हेडरूम है काफ़ी, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे मूव यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी सिर्फ एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जाने समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।